हेलो एवरीवन वेलकम टू दृष्टि जुडिशरीज लॉ एमसीक्यूज प्रोग्राम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवरिंग लीगल करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेट्स बिगिन टूडेज एपिसोड फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग दर्टिकल वन फोर्टी टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एनी कोर्ट प्रेजिडेंट सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 को लागू कर सकता है किसी भी न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय या फिर संसद द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 142 फोर्टी टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिस प्रोविजन ग्रांट द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू पास एनी ऑर्डर नेसेसरी टू डू कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस और मैटर पेंडिंग बिफोर इट संविधान के अनुच्छेद 142 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है यह प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय को उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करता है नेक्स्ट क्वेश्चन हैज द अथॉरिटी टू डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया प्राइम मिनिस्टर स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रेजिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है प्रधानमंत्री लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी प्रेजिडेंट इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राष्ट्रपति द अथॉरिटी टू डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी इन इंडिया रेस्ट विद द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसी सिचुएशंस अंडर 352, 356 एंड 360, भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, तीन सौ 360 के तहत तीन प्रकार की आपातकालीन स्थितियों का प्रावधान है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज सेक्शन 138 थर्टी एट ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डील विद अधिनियम की धारा 138 सौ किस से संबंधित है चोरी अनुबंध का उल्लंघन या फिर चेक का अस्वीकृत द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी डिसनर ऑफ चेक इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चेक का अस्वीकृत इन द रिस पांडियन एस वर्सेज आरबीएल बैंक लिमिटेड कोर्ट स्टेटेड दैट द एक नॉट रिक्वेस्ट द ट्रांसफर ऑफ अ केस इन्वॉल्विंग सेक्शन वन थर्टीएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑफ एटीन एटी वन पर डिस ऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशंसी ऑफ फंड कस्तूरी पांडियन एस बनाम आरबीएल बैंक लिमिटेड के हालिया मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आरोपी चेक अस्वीकृत के अपराध से जुड़े मामले के स्थानांतरण का अनुरोध नहीं कर सकता है 1881 के पर में लिखित अधिनियम की धारा 138 धन की कमी के कारण चेक के अस्वीकृत से संबंधित है नेक्स्ट क्वेश्चन मिसकंडक्ट कंडक्ट इन दर्क प्लेस अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट टिपिकली इंक्लूड पर्सनल यूज ऑफ ऑफिस सप्लाई एबसेंस विदाउट लीव कैजुअल ड्रेस एट द वर्क प्लेस और सोशलाइजिंग विद को वर्कर्स ड्यूरिंग ब्रेक्स औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत कार्यस्थल पर कदाचार में आमतौर पर शामिल है कार्यस्थल आपूर्ति का व्यक्तिगत उपयोग बिना छुट्टी के अनुपस्थिति कार्यस्थल पर सामान्य पोशाक या फिर ब्रेक के दौरान सहकर्मियों के साथ मेल जोल बढ़ाना द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी एब्सेंस विदाउट लीव इसका सही जवाब ऑप्शन बी बिना छुट्टी के अनुपस्थिति इन रिसेंट केस ऑफ श्री जी रमेश वर्सेस द कर्नाटका स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

और इसके लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही उचित है बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहना तब होता है जब कोई कर्मचारी अपने पर्यवेक्षक को सूचित किए बिना छुट्टी ले लेता है जो गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है लास्ट क्वेश्चन इज सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ एटीन सेवेंटी टू प्रोवाइड फॉर रिफ्रेशिंग मेमोरी सेक्शन वन फिफ्टी नाइन सेक्शन वन फिफ्टी एट सेक्शन वन फिफ्टी फाइव और सेक्शन वन सिक्सटी भारतीय साक्षी अधिनियम अठारह की निम्नलिखित में से कौन सी धारा रिफ्रेशिंग मेमोरी का प्रावधान करती है धारा एक धारा एक धारा एक या फिर धारा एक द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सेक्शन 159। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए धारा एक सेक्शन 159 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट परमिट्स विटनेसेस टू रेफर टू द नोट्स मेड ड्यूरिंग और सून आफ्टर एन इवेंट अर मेमोरी फॉर मोर एकट टेस्टिमोनी विटनेसेसो रेफर टू डॉक्यूमेंट्स क्रिएटेड बाय अदर्स प्रोवाइडेड रीड सून आफ्टर द इवेंट एंड कैन अटैच टू देर एक भारतीय साक्षी अधिनियम की धारा एक गवाहों को अधिक सटीक गवाही के लिए अपनी मेमोरी ताजा करने हेतु घटना के दौरान या उसके तुरंत बाद लिखे गए नोट्स को संदर्भित करने की अनुमति देती है गवाह दूसरे द्वारा बनाए गए दस्तावेजों का भी हवाला दे सकते हैं बशर्ते कि वे घटना के तुरंत बाद उन्हें पढ़ लें और उनकी सत्यता की पुष्टि कर सकें। सके इम्प्रिजनमेंट टू टेन ईयर्स और नॉट लेस सेवन ईयर्स विच में एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट आईपीसी की धारा 304 बी के तहत दहेज मृत्यु की सजा क्या है आजीवन कारावास केवल सात वर्ष तक का कारावास दस वर्ष तक का कारावास या फिर कम से कम सात वर्ष की सजा जो आजीवन कारावास तक बढ़ाई जा सकती है इसका उत्तर हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा मिलेंगे अगले एपिसोड में नए प्रश्नों के साथ धन्यवाद डियर व्यूअर्स अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक like, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें